जितने विधायक और सांसद है उनको सबको एक हेलीकॉप्टर जरूर दे दीजिए। हम लोग दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, यहीं से। किस तरह से अपने यहाँ विकास होगा, क्या प्रयास रहा सभी का? सबके योगदान से इसके कारण ये हमको विस्तार मिला। कांग्रेस सरकार ने ये 15 महीने के कार्यकाल में किया। किस तरह से अपने यहाँ विकास होगा, क्या प्रयास रहा सभी का? हमारे सब विधायक सबका समर्थन है। जितने भी विधायक है का निरंतर इसमें प्रयास रहा है। हवाई पट्टी हमने बनवाई, ये श्रेय उनका नहीं है। हवाई पट्टी तो 50 वर्षों पूर्व बनी। देखिए सबका रोल था। कितना विकास हो जाएगा एरोप्लेन हवाई पट्टी के आ जाने से? किसानों का विनाश हो जाएगा। जिसकी जमीनें जा रही हैं कौड़ियों के भाव, उसको क्या फायदा होने वाला? हम लोग दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, यहीं से। किसानों के साथ अन्याय होगा, किसान देने को तैयार नहीं है। किसानों से जबरदस्ती छीन के लिया जा रहा है। मुआवजा मिलेगा क्या आपको होने वाला? आज सभी किसानों का कर्ज बढ़ रहा है। हम लोग दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, यहीं से आए हम। फिर देखते हैं 20 करोड़ का नुकसान हो रहा है। फांसी लगा के मरना पड़े, ताला मरवा देंगे आपके एयरपोर्ट के गेट में। हम लोग दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, यहीं से। किसानों को लगोटी में लाके अपने राजसी शौक पूरे न करिए। हम लोग दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, यहीं से। बहुत अच्छा, आप दानवीर हैं, लेकिन आप सोचिए किसान हैं, किसान की जिंदगी कहाँ जाएगी। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। आज आपके लिए एक खास खबर लेकर आए हैं जिसे देखकर रीवा ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य के लोगों को गर्व होगा। दरअसल 5 दशक से जिसे हवाई पट्टी के रूप में जाना जाता था, अब उसका विस्तार होने जा रहा है और यह हवाई पट्टी अब आने वाले समय में हवाई अड्डा एयरपोर्ट में तब्दील हो जाएगी। पर इस तब्दीली में एक कहावत चरितार्थ हो रही है। वह कहावत है, सैया की बिरता भैया के नाम। आप समझ ही गए होंगे, इस कहावत का अर्थ होता है कि कमाई किसी की और श्रेय किसी और को। यही हो रहा है हवाई पट्टी के विस्तार में। दरअसल रीवा के चौराहटा हवाई पट्टी का निर्माण लगभग 5 दशक पूर्व किया गया था, जहां विंध्य में पहुंचने वाले छोटे विमानों को यही उतारा जाता था और यहां से हेलीकॉप्टर से आसपास के जिलों में जनप्रतिनिधि पहुंचते थे। बड़े नगरों से एयर एम्बुलेंस भी पहुंचती थी, जबकि यहां से बड़े महानगरों में जाने के लिए लोगों को बनारस, जबलपुर, इलाहाबाद या खजुराहो जाना पड़ता था। हाल ही में नागरिक उड्डयन विभाग ने इसके विस्तार की स्वीकृति दी और प्रदेश सरकार ने उक्त विस्तार के लिए आसपास की जमीनों को मुफ्त में विभाग को देने का निर्णय मंत्रिपरिषद में पारित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमने बताया कि एक कहावत है कि सैया का बिरता भैया का नाम, वही कहावत इस हवाई पट्टी के विस्तार में भी चरितार्थ हो रही है। हवाई पट्टी कांग्रेस शासनकाल में बनाई गई थी, जिसका अब 5 दशक बाद विस्तार हो रहा है, लेकिन उक्त विस्तार का श्रेय रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के द्वारा लिया जा रहा है, जबकि उक्त हवाई पट्टी के विस्तार के लिए रीवा के 8 विधायक सांसद के साथ साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री और मुख्यमंत्री की भूमिका है। इस हवाई पट्टी के विस्तार का श्रेय जहां कांग्रेस ले रही है और उसका कहना है कि विगत 15 माह के शासनकाल में ही कांग्रेस ने सीधी और रीवा हवाई पट्टी के विस्तार की प्रस्ताव तैयार किया था। इतना ही नहीं, सीधी का प्रस्ताव पास भी हो गया था, लेकिन वर्तमान में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के द्वारा अपनी उपलब्धि बताते हुए इसका श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के ही कई विधायकों ने माना कि चौराहटा हवाई पट्टी का विस्तार किसी एक के प्रयास से नहीं बल्कि सभी विधायकों, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के प्रयास से संभव हुआ है। वही कांग्रेसी रीवा को हवाई पट्टी देने का श्रेय अपनी सरकारों को देते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि नया कुछ दिया नहीं, जो था भी उसे बेच दिया, अब हवाई पट्टी को अपना विकास बताकर श्रेय लिया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से लेकर कई विधायकों से हमने चर्चा की, जिसे आपको सुनाएंगे। किस तरह से हवाई पट्टी के विकास में प्रयास किया, जो विंध्य के लोगों को बड़ी सौगात मिल रही है। वहीं कांग्रेस के विधायक, महापौर और सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किसानों से भी चर्चा की है, जिनका अलग ही दर्द है। पहले हम आपको सुनाते हैं उक्त हवाई पट्टी के विस्तार को लेकर पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल को, जिन्होंने इसे कांग्रेस की देन बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। हवाई पट्टी का विस्तार हो रहा है, जिसमें यहाँ के नेताओं के द्वारा, कुछ लोगों द्वारा बड़ा श्रेय दिया जा रहा है कि हमारे द्वारा लाया गया हवाई पट्टी तो बहुत लंबे समय से है, किसकी देन थी, क्या मानते हैं? देखिए,
रीवा हो, सीधी हो, सतना हो, ये सब हवाई पट्टियाँ जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उसी समय यहाँ पे स्थापित हो गई थी। और इसको और अपग्रेड करने का काम जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो बड़े एक्सपर्ट हैं खासकर एयरपोर्ट वगैरह के विषय में, तो उन्होंने उसी समय जो है ना हमारी सिंगरौली में भी हवाई पट्टी नहीं थी, और कई बार हम भी जिला योजना समिति में थे, चर्चा आती थी पर वो कर नहीं पाए थे। उस समय हम लोगों ने डीएमएफ मस से और एनसीएल से और मैनेज कुछ और फंड मैनेज करके वो 35 करोड़ में वहाँ हवाई पट्टी बनाने का, उस समय कांग्रेस सरकार ने ये 15 महीने के कार्यकाल में किया। यहाँ भी अपग्रेड करने की प्रक्रिया उसी समय शुरू हो गई थी। अब इसका श्रेय लेने का काम भाजपा इसके अलावा करती क्या है? हमारे भारत देश में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जितने हमारे एयरपोर्ट थे सबको अपग्रेड करने का काम तो उसी समय हुआ था। अब श्रेय लेने का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। आज चाहे इंदौर, भोपाल, वाराणसी, आपका इलाहाबाद, जितने भी हवाई पट्टी है जिधर भी आप नज़र दौड़ाइए देश में, सब जगह अपग्रेड करने का काम उस समय कांग्रेस सरकार में हुआ था। और यहाँ का जो अपग्रेड करने का प्रोसेस शुरू हुआ था कमलनाथ जी के टाइम में शुरू हो गया था, और इसमें श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें समय पर काम पूरा हो और लोगों को यहाँ पे सुविधा मिले उसकी आवश्यकता है। क्या लगता है किस तरह से पर्यटक और उद्योगों के लिए भी एक अच्छी पहल होगी, फायदा मिलेगा? देखिए स्वाभाविक रूप से रीवा में कनेक्टिविटी नहीं है, सीधी सिंगरौली जाना है किसी को, रीवा आना है तो लोगों को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। यहाँ पर अगर बड़ा विमान उतरेगा, यहाँ पे कमर्शियल विमान आएंगे, यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी तो औद्योगिक संस्थानों का भी डेवलपमेंट होगा, साथ साथ लोगों को, यहाँ स्थानीय लोगों को भी इमरजेंसी में सुविधा मिलेगी। तो ये हम समझते हैं कि रीवा संभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर ये समय पे पूरा हो काम और समय पे संचालन हो, और इसमें राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ये विकास रीवा के लिए बहुत समय से बहुप्रतीक्षित, पूरे बिंद के लिए है, और इसका कहीं ना कहीं टूरिज्म का भी अच्छा स्कोप है रीवा डिवीजन में, उसका भी फायदा मिलेगा, टूरिस्ट भी आएंगे, औद्योगिक संस्थानें भी स्थापित होगी, स्थानीय लोगों को भी कोई दवाई कराने जाना है या कोई इमरजेंसी है या बिजनेस पर्पज से जाना है तो एयर कनेक्टिविटी होना हम समझते हैं कि आज के युग में बहुत ज़रूरी है। सुना आपने, यह मध्य प्रदेश के कांग्रेस शासनकाल के मंत्री कमलेश्वर पटेल, जिन्होंने बताया कि हवाई पट्टी की देन कांग्रेस की थी और विस्तार का प्रस्ताव भी कांग्रेस शासनकाल में आया था। आइए अब आपको सुनाते हैं नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा को, जिन्होंने कहा कि यह वाहवाही की बात नहीं है, हवाई पट्टी की देन महाराजा मारतंड सिंह की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह ने रीवा को हवाई पट्टी के साथ बहुत सी स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं रीवा को दिया था। महापौर ने इस तरह से भाजपा पर निशाना साधा और हवाई पट्टी के विस्तार की वाहवाही लूटने वालों को क्या संदेश दिया है? महापौर जी, रीवा में हवाई पट्टी का विस्तार हो रहा है और भाजपा के विधायक ऐसा वाहवाही या ऐसा प्रचार प्रसार करें जिससे बड़ी बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं रीवा में, क्या मानते हैं किस तरह, कब से हवाई पट्टी थी और किस चीज़ों की विकास हो, कैसी वाहवाही? रामानंद जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग छोटे छोटे थे और हमारे पिताजी शहडोल में थे, मैं मेरे ख्याल से तीसरी उसी पढ़ता रहा हूँ या दूसरी, तो उमरिया तरफ से जो हम लोग आया करते थे गुरसरी पहाड़ चढ़ के, तो एक बार प्लेन खड़ा था एक तो हम लोग देखने गए थे, 500 बरस तो हो गया, हमारे संज्ञान में ऐसा लग रहा कि 50 बरस का हो गया हवाई पट्टी, इससे कम की हवाई पट्टी नहीं। किसकी देन रही होगी उस समय? उसमें यहाँ पर सांसद थे महाराजा मारतंड सिंह, कांग्रेस के सांसद थे, उनकी देन रही है हवाई पट्टी। गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री थे शायद, उनकी देन रही होगी। अब हमको इसका ज्ञान नहीं है पर सुनने में ही आता है कि गोविंद नारायण सिंह ने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दी, यूनिवर्सिटी दिया और आपके ये हवाई पट्टी दी, कुछ उद्योग धंधे दिए, ये वाहवाही की चीज़ें नहीं हैं। सड़क पहले 3 मीटर की थी, फिर 5 मीटर की हुई,
फिर फोर टू लेन हुई, फिर फोर लेन हुई, अब सिक्स लेन हो रही, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे आवश्यकता होती है उसी हिसाब से उसका विस्तार होता है। यहाँ के लोकल एमएलए को अगर वाहवाही लेना था तो वो उद्योग मंत्री थे, यहाँ पर उद्योग लगवाते, लोगों को रोजगार मिलता, फ्रूट क्रॉप इंडस्ट्री लगाते, फ्रूट प्रोसेसिंग के प्लांट लगवाते बड़े बड़े, बाहर से लोगों को लाते। वहाँ यहाँ दशहरी आम होता है, सुंदरजा आम होता है, आपके यहाँ टमाटर होता है, अमरूद अच्छा होता है, इस एरिया में लोग फल लगाने के लिए इच्छुक होते, ऐसे में शहर का विकास होता है, जिले का विकास होता है। ना उद्योग लगवाया, ना धंधे लगवाए, सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ किया कि चौड़हटा से रतहरा रोड का निर्माण, इसके सिवाय कोई ऐसा काम उन्होंने किया। संजय गांधी अस्पताल बना हुआ है, उसमें डॉक्टर नहीं, पहले महात्मा गांधी था, फिर संजय गांधी बन गया, अब सुपर स्पेशलिटी बन गया, तो वाहवाही का है कि जनसंख्या बढ़ना शुरू हुई तो बेड बढ़ना शुरू हो गए। आप डॉक्टर ले आओ, फैसिलिटीज दो, डायलिसिस मशीन तो बहुत बार आई पर उसको चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। ऐसी सस्ती लोकप्रियता कभी नहीं लेनी चाहिए जिससे कि जनता का हित ना होकर नुकसान। असल रही, साथ सीट नहीं मिल पाए, शासन का नुकसान। देखिए जब जो नहीं लगा रहे, जाने वालों की व्यवस्था नहीं कर रहे, खाने की व्यवस्था नहीं कर रहे, शौचालय बन रहा, ये तो वही हो गया ना, दिखाने के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते जाओ, दिखाते जाओ, जो उसका आधार है पर्यटन के लिए आप व्यवस्था नहीं कर रहे। देखिए ये मध्यम वर्गीय परिवार का शहर है, मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पर रहती है, यहाँ हवाई जहाज चढ़ने वाले बहुत कम संख्या के होंगे। जब तक आप उद्योग धंधे नहीं लगाएंगे तब तक हवाई पट्टियों का विस्तार, अगर हवाई पट्टी का विस्तार करना तो उद्योग धंधे आपको लगा फिर है, जरूरी है, आपने अच्छा है सब विकास है, लेकिन ये अगर हम श्रेय लें कि हमारे द्वारा इस तरह से लाया गया, हमारे द्वारा बनवाया गया, आपका तो लगता है कि सबसे लोकप्रियता नहीं, उनका योगदान हवाई पट्टी के विस्तार में मैं मानता हूँ अच्छा योगदान था, कि पहले छोटे प्लेन उतरते थे, विस्तार हो जाएगा तो बड़ा प्लेन उतरने लगेगा है, पर हवाई पट्टी हमने बनवाई ये श्रेय उनका नहीं है। हवाई पट्टी तो 50 वर्षों पूर्व बनी थी, श्रेय सिर्फ विस्तार का होगा, उन्होंने विस्तार किया इसका श्रेय। फिर सभी विधायक सांसद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबका विस्तार के साथ। देखिए जो मेरे श्रेय चाहे जो होता है कि ये दूसरों को जरूर बोलते हैं भाषणों में, बड़ी सस्ती लोकप्रियता के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, खुद बड़ी सस्ती लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं हवाई पट्टी के विस्तार के साथ प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ हवाई पट्टी से विंध्य को होने वाले लाभ के संबंध में मध्य प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को, जिनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से सभी के प्रयासों से हवाई पट्टी के विस्तार की सौगात मिली है और आने वाले समय में किस तरह से इसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। पट्टी को विस्तार की प्राथमिकता मिली और मंत्रिमंडल से जमीन लेने का प्रस्ताव, किस तरह से विकास है, क्या देखते हैं, कैसा ये है? ये काफ़ी दिन से इस बात की मांग थी कि हमारी एयर जो कनेक्टिविटी है और फिर उसके बाद हमारा टूरिज्म जो है, एयर कनेक्टिविटी न होने के कारण हम उसका ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, देख रेख नहीं है, लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे जो बड़े जहाज है वो उतरने के लिए हमारी हवाई पट्टी ठीक नहीं थी, सकरी थी, चौड़ाई में कम थी, लंबाई में भी कम थी। इस बात का सब ने प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे थे और केंद्रीय जो हमारे उड्डयन मंत्री जब ये हुए ज्योतिरादित्य जी हुए, इनने प्रयास किया, अंततः गत्ता मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास करके ज़मीन दे दी है और सबके योगदान से सारे, चाहे शिवराज जी हों, ज्योतिरादित्य हों और सारे विधायक हों, इस तरह सांसद हों, सबने मिलकर के जो लगाया जिसके कारण ये हमको विस्तार मिला। इस तरह से अपने उद्योग के साथ साथ पर्यावरण नहीं, जैसे हमारे पास सफ़ेद शेर का हमारे पास माने जो एक व्यवस्था है उसको लोग देखना आना चाहते हैं, खासतौर पर फॉरनर्स बहुत आते हैं और उसी के कारण हमारे पास वो असुविधा होने के कारण वो नहीं आ पाते क्योंकि गाड़ियों से इतना रन वोट करेंगे नहीं। पर्यटन और उद्योग दोनों को, हाँ दोनों को बढ़ावा। हवाई पट्टी का विस्तार हो जाने से पर्यटन
पर्यटन और रोजगार के साथ व्यापार धंधे बढ़ेंगे। यह विकास किसी एक का नहीं बल्कि प्रदेश, केंद्र सरकार और सभी विधायकों के सहयोग से हुआ है। आइए अब सुनाते हैं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से दिक्कतें होती हैं, अब किस तरह से स्वास्थ्य उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और किस तरह से प्रयास किया गया तब यह सफलता मिली है और किसके प्रयास से संभव हुआ है। मैं तो हमारे जो केंद्रीय उद्यान मंत्री मध्य प्रदेश के हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लंबे समय से ये जो प्रयास चल रहा था कई वर्षों से कि यहाँ पर एक पैसेंजर 72 सीटर पैसेंजर वाला के एक विमान यहाँ उतरे और उसके लिए जो चीज़ें थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये हमको दिया ये सौगात, उनका बहुत बहुत हम माननीय सिंधिया जी का धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक सवाल आपने मुफ्त की जमीन का कहा, मामला ऐसा नहीं है, चूँकि अभी यहाँ का हवाई अड्डा वो वहाँ की लैंड, वहाँ का सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट का है। जी, सेंट्रल एविएशन डिपार्टमेंट जब काम करता है तो उसे उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए, ऐसे हैवी पैसेंजर वाले विमान को उतारने के लिए उन्हें जितनी गाइडलाइन के हिसाब से जमीन की जरूरत पड़ती है, भवन की जरूरत पड़ती है, रनवे की जरूरत पड़ती है, वो सब जब वो पूरा फिलफिल होता है तभी वो अनुमति मिलती है। अब सवाल ये है कि वो ज़मीन उनको उपलब्ध कराई जाए, तो वो ज़मीन जो यहाँ पर अधिग्रहित 62 एकड़ ज़मीन जो अभी और एक्स्ट्रा अधिग्रहित की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट उनका मुआवजा देगी। इसका फंड जो है 200 कुछ करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगा, मुफ्त में नहीं हो तो लोगों को दिया जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट वो जमीन सेंट्रल एविएशन डिपार्टमेंट को सौंपेगी और जो पुराना हवाई अड्डा है वो भी सेंट्रल एविएशन को दे दिया जाएगा। तो पुरानी जमीन, पुराना सारा कुछ और नई जमीन सब मिला करके इसको दिया देगा भारतीय विमानपत्तल को, तो वो उसमें बढ़िया रनवे बनाएंगे, जो जो उनकी गाइडलाइन है उसको करेंगे, क्योंकि ये जो 72 सीटर और उससे ऊपर वाले जो विमान होते हैं उनकी उनकी हाइट बहुत ऊपर हो जाती है, क्योंकि बहुत वो हाइट मोड़ते हैं और उतनी हाइट में उन्हें सिग्नल की जरूरत पड़ती है और उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टर्मिनल बनाना पड़ता है, उसके लिए उतनी उनको लैंड की जरूरत। तो ये सबसे बड़ी बात को मैं पूरे रीवा जिले के लोगों को बधाई देता हूँ कि ये पूरी जनता को इतनी बड़ी सौगात हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उद्यान मंत्री और उनके अन्य विधायक सांसदों के प्रयास हैं या किसी एक के? नहीं, देखिए प्रयास तो बहुत पहले से चल रहा है, पहले तो सरकार नहीं थी, फिर 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी जी के समय से भी प्रयास रहा हमारे, अभी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसमें, उन्होंने भी प्रयास किया कि हमारे मध्य प्रदेश के उन प्रमुख शहरों में हवाई सेवा शुरू की जाए, उसमें हमको ये सौगात है और ये इसका टेंडर भी हो चुका है, मगर वो लैंड का थोड़ा सा मामला था, तो हम ये नहीं कह सकते, इसमें तो माननीय सांसद हों, हमारे सब विधायक हों, सबका समर्थन है, तो ये तो सबका है। और मैं तो केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी को, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने कैबिनेट में इसका प्रस्ताव हमारा कैबिनेट में ये प्रस्ताव, तो सारे मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारा ये कैबिनेट में इन्होंने इसकी मंजूरी दी, ताकि 200 कुछ करोड़ रुपए मिलेगा तभी तो वो दे पाएंगे। जी, तो हमारे स्थानीय विधायक जी का तो प्रयास रहा ही, मगर पूरे मंत्रिमंडल ने इसको सहमत दी, इसलिए हम पूरे मंत्रिमंडल का, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। अब देखिए इसमें हमारे मौका, कभी कई बार होता था किसी को दिल्ली जाना है, किसी को भोपाल जाना है, तो फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, अगर कोई एयर एम्बुलेंस करे भी तो उसका इतना कास्ट आता है 5-6 लाख रुपए, कोई सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाते। आज कोई बीमार है, 1 घंटे में पहुंचना है, तो सीधे टिकट कराया तो जो काम 5 लाख में नहीं होता 5 लाख में, तो ये बहुत बड़ी सौगात पूरे जिले के लोगों को मिली है, डेवलपमेंट में भी इसका बड़ी भूमिका है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सभी विधायकों के असफल प्रयासों से चौराहटा हवाई पट्टी का विस्तार हो रहा है, जो आने वाले समय में क्षेत्र में उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देगा। आइए अब आपको सुनाते हैं रीवा रियासत की युवराज सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह को, जिनके बाबा महाराजा मार्तंड सिंह की देन हवाई पट्टी का विस्तार हो रहा है, उन्होंने क्या कहा है। विधायक जी, अभी रीवा हवाई पट्टी का विस्तार हो रहा है, किस तरह से लगता है कि अपने बिंदी के लोगों को फायदा मिल पाए, कैसा प्रयास रहा? रीवा में जो हवाई पट्टी बन रही है इससे न केवल रीवा को, पूरे विंध को इसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। निश्चित रूप से आज आप सब जानते हैं और हम सब बड़े गर्व से ये मानते हैं कि आज हमारा रीवा शहर
मध्य प्रदेश का सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी अगर कोई है तो वो रीवा है, और इसी डेवलपमेंट में आगे बढ़ने की तरफ अगर जा रहे हैं तो ये हवाई पट्टी भी है। पूरे रीवा का और विंध का इससे बहुत बड़ा विकास का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। आज रीवा जो पहले रीवा था, जो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी से अछूता रहता था, ना यहाँ रोडें थी ना रेलवे थी, ये सारी समस्या यहाँ पर आती थी। आज हम देखते हैं कि रीवा ज़िले के आसपास या रीवा ज़िले के चौतरफा तरफ हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बन करके तैयार हो गए, अच्छी रोडें, हमारी कनेक्टिविटी चारों तरफ है, चाहे वो दिल्ली जाना हो, चाहे आपको बनारस तरफ जाना हो, चाहे आपको जबलपुर और वहाँ से आगे महाराष्ट्र जाना है, ये पूरी सारी सड़कें बन गई हैं। हमारी रेलवे लाइन का भी विस्तार रीवा से आगे सिंगरौली तरफ का भी हो रहा है, जो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और साथ में अब जैसे हमारी हवाई पट्टी भी आएगी तो इससे पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा और सबको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। यहाँ निवेश भी आएगा और आगे चल करके यहाँ पर टूरिज़्म भी, चाहे वो रीवा हो या हमारे लगे हुए हमारे जितने नेशनल पार्क्स हैं, चाहे वो बांधवगढ़ हो, चाहे आपका संजय दुबरी नेशनल पार्क हो, ये सभी चीज़ इससे जुड़ जाएंगी। किस तरह से सबका सहयोग रहा आपका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री? निरंतर हम सभी जितने भी विधायक हैं, सभी समाजसेवी हैं, सबका निरंतर इसमें प्रयास रहा है कि हमारा ये हवाई अड्डा ये जल्द से जल्द और बेहतर हो जाए। हवाई अड्डा बन रहा, हवाई पट्टी का विस्तार हो रहा, लेकिन उद्योग धंधे जो है, उद्योग रोजगार, बेरोजगारी ज़्यादातर क्षेत्र में है। देखिए क्या है ना कि पहले के समय, जैसे मैंने आपको कहा कि कभी भी जब कोई उद्योग आना होता है या कभी हमको उद्योग लाना होता है तो एक बहुत बड़ा विषय होता था कि रीवा की कनेक्टिविटी पहले जो थी, यहाँ पे पहले गड्ढों से आता था आदमी, यहाँ ना ट्रेनें थीं और ना हवाई पट्टी थी, तो कभी भी कोई भी उद्योग जब आता है तो वो देखता है कि हमारी कनेक्टिविटी बड़े शहरों से कैसी है। तो आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी आज बेहतर हो गई और अच्छी हम लोग उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से उद्योग तभी बढ़ेगा जब हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ कि हमारा जैसे ही कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हमारे उद्योग भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहे। निरंतर हमारा प्रयास है कि हर ज़िले में एक, हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अपने प्रदेश में इसकी बैठक भी ली थी, तो मैं मानता हूँ कि आज हम जब कनेक्टिविटी हमारी पूरी हो चुकी है, हमारे पूरे ज़िले में आज नहरों का जाल बन गया है, रोडों का जाल बन गया है, रेलवे लाइन का जाल बिछ रहा है और आगे चल के भविष्य में एयरपोर्ट भी आ रहा है, तो ये जैसे ही हमारा ये जो बेस है, आज हमने अच्छा बेस तैयार कर दिया है, निश्चित रूप से इसके आने वाले समय पर जैसे हवाई पट्टी आ रही है, हमारे रीवा का भी विकास और उड़ान लेगा। हवाई पट्टी का विस्तार विंध्य के लिए वरदान साबित होगा। सभी विधायकों के सहयोग से इसका विस्तार हो रहा है। दिव्यराज सिंह ने यह भी कहा कि अगर एक बढ़िया एयरपोर्ट रीवा शहडोल संभाग के बीचों बीच बने तो पूरे विंध्य के लोगों को इसका लाभ मिले। अभी लोग प्रयागराज, बनारस, जबलपुर, खजुराहो हवाई यात्रा के लिए पहुँच जाते हैं। अगर शहडोल जिले की व्यवहारी के आसपास सर्व सुविधा युक्त हवाई अड्डे का निर्माण किया जाए तो पूरे विंध्य में उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिले और सुविधाएं भी। आइए अब आपको सुनाते हैं हवाई पट्टी विस्तार को लेकर मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति को उनका क्या कहना है। हवाई पट्टी का विस्तार हो रहा है, क्या मानते हैं किस तरह से अपने यहाँ विकास होगा, उद्योग का अवसर मिलेगा, क्या प्रयास रहा? हवाई पट्टी का जो विकास हो रहा है तो वो तो सबके जनता के हित की बात है और ये होना भी चाहिए। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि रीवा जिले में इतने बड़ी हवाई पट्टी का विस्तार हो रहा। हवाई पट्टी के विस्तार होने से बहुत सारे चीजों का आवागमन होगा, बहुत सारे यहाँ विदेशी लोग भी अभी जो है तो सफारी खोला गया उनको देखने के लिए आए हैं, जो बाहर से लोग आएंगे तो उनको तो और अधिक अच्छा रहेगा। सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का क्या रोल रहा कि राजेंद्र शुक्ला का रोल है? देखिए सबका रोल था, प्रयास एक आदमी थोड़ा अगुआ बन के काम करता, प्रयास तो सबका है और हम लोगों का भी मार्गदर्शन रहता है कि भाई ऐसा होना चाहिए। क्या मानते हैं किस तरह से अवसर मिलेंगे लोगों को और हवाई पट्टी का विकास हो जाने से, बढ़ जाने से 72 सीटर एरोप्लेन उतरने लगेंगे? हाँ ये बात तो सही है, इसी उद्देश्य से तो वो कर ही रहे हैं। जो हर जगह हम लोग ये नहीं जा पाते हैं, प्लेन नहीं चलने के कारण हम लोग उससे वंचित हो जाते हैं, तो ये अगर विस्तार हो जाएगा तो हम लोग दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे यहीं से। आपने सुना, पक्ष और विपक्ष को कांग्रेस का मानना है कि हवाई पट्टी कांग्रेस की देन है और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। न्यू कांग्रेस ने डाली और उसका सतत विकास जो भी सत्ता में रहे उसकी जवाबदारी होती है। तो वहीं भाजपा के जन प्रतिनिधियों ने कहा, सभी विधायकों के सहयोग से हवाई पट्टी का विस्तार किया जा रहा है।
पूरे मामले को लेकर मीसाबंदी अजय खरे ने भी अपनी राय व्यक्त की है, आइए सुनते हैं। यहाँ की जो राजनीति है कुछ लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, जो विकास के नाम पर मठाधीशी कर रहे हैं, जो विकास के नाम पर लूट का पर्याय बन गए हैं, पूरे शहर को बेचने की स्थिति बन गई है। चुराटा में हवाई पट्टी के लिए जो किसानों की ज़मीन ली गई है उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिला है, और किसानों की जिस तरीके से ज़मीन ली गई है वो खेती लायक ही नहीं रह गई है, माने उनको भारी क्षति हुई है और उनकी खेती की जोत काफ़ी कम हो गई है। ये सारी चीज़ें हैं तो इतनी बड़ी विसंगति है, झूठी भाई लूटने का जो खेल चल रहा है वो सरासर गलत है, और ये इस तरह का नहीं होता है। कोई चीज़ को आप इतिहास को गाड़ दीजिए, इतिहास की सच्चाई को छिपाइए, इतिहास को बताइए आप कुछ कर रहे हैं वो तो खुद दिखेगा, लेकिन किसी ने कुछ किया है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रीवा में हवाई सेवा जुड़ेगी तो सबको अच्छा लगेगा, इसमें किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जो तौर तरीका है बहुत ही गलत है और बहुत ही मतलबी तरीके का है, और इसके पीछे केवल अपना एक माहौल बनाना है कि हम रीवा में हवाई जहाज लाए, हम रीवा में ये ले आए, जबकि असलियत ये है कि रीवा में तमाम बहुत सारी चीज़ें, यहाँ सैनिक स्कूल था, तरह तरह के कॉलेज थे, यदि इनका बस चले तो ये कल उसका रंग रोगन करके बताएंगे कि सैनिक स्कूल भी हम ही ले आए हैं। तो सुना आपने, जिस तरह से भाजपाई 2014 में देश को आजाद होना बताते हैं उसी तरह रीवा के विकास को भी अपने कार्यकाल को बता रहे हैं, जबकि रीवा बिंद की राजधानी रहा है और हवाई पट्टी की सुविधा बहुत पुरानी है, लेकिन श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। कुछ मठाधीश बने हुए हैं जो हर विकास को अपना बताते हैं, यह कहना है अजय खरे का। आइए अब आपको सुनाते हैं आपको हवाई पट्टी के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों को, जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है। हवाई पट्टी के विस्तार से उद्योग रोजगार भी मिलेगा या नेताओं को चुनावी मुद्दे मिलेंगे या आम जनता को भी लाभ होगा, विस्तार से किसानों को क्या लाभ हुआ है, इस संबंध में किसानों ने हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे से बात की है। चुराहटा हवाई पट्टी का विस्तार हो रहा है, निश्चित तौर पर बिंध के लोगों को लाभ मिलेगा, रोज़गार की बात की जा रही है कि रोज़गार बढ़ेगा, पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा, लेकिन अगर विकास नहीं होगा तो सिर्फ नहीं होगा किसान का, क्योंकि किसान लंबे समय से समस्याओं को झेलता रहा है और अपनी ज़मीन भी दे चुका है। हमारे साथ किसान है जिनकी करोड़ों की कीमती ज़मीनें जा रही हैं, किस तरह से उनको लाभ मिला है और आने वाले समय में क्या उनको आशा है कि किस तरह से लाभ होगा, क्या लगता है कि कैसे किसानों को लाभ होने वाला है? आप देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने यहाँ के रीवा जनता जनार्दन सभी को बतलाना चाहते हैं कि 2016 में हवाई पट्टी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए बिंद महोत्सव में, हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि हवाई पट्टी का विस्तार करना है, ज़मीनें चाहिए, उन्होंने शायद नाम दे दिया चुराहटा, चुराहटी, अगडाल, पतेरी, उमरी, सब का नाम दे दिया उम्र की विस्तार के लिए। तो सोचिए आप, ये हम आपको दिखला सकते हैं, ये फाइल है 2016 से इन ज़मीनों में प्रतिबंध लगा दिया गया कि ना इनका भूमि का नामांतरण होगा, ना इनकी रजिस्ट्रियां होंगी। आप सोच सकते हैं एक किसान के लिए कितना बड़ा कलंक कर दिया गया कि वो अपने बच्चों के नाम भी अपनी ज़मीनें नहीं करा सकते। कई लोग बीमार थे और बीमारी के कारण उनको जान गंवानी पड़ी, दवाइयों के अभाव में, जानते हैं किसान का कि स्रोत जो है खेती से, तो उसको वो दवाई नहीं करा सकता, जीवन निर्वाह नहीं होता, ज़मीन बेच के ही उसे अपनी बेटियों की शादी से लेकर ऋण कर्जे और दवाई करवानी पड़ती है। तो लगातार प्रशासन 2016 से आज तक 22 इतने साल तक इसमें रोक लगाए रखा, उसके लिए हमारे यहाँ के जो विकास का दावा करते हैं शायद वही जिम्मेदार हैं। और आपको बतला दें, अभी हाल ही में आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने
बिल्कुल जमीन मुफ्त में दे दी है। बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी, आप दानवीर हैं, लेकिन आप सोचिए किसान हैं, किसान की जिंदगी कहाँ जाएगी। बाबा पुरखे चले गए, लगोटियाँ लगाए हुए चले गए, अपनी जमीनों को बेचा नहीं, मने रखे रहे कि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस जमीन का उपयोग कर अपना जीवन का भरण पोषण करेंगी। आज यहाँ की जमीनों का आप सोचिए, चुरहटा चुरहटी नगर निगम में है, अगडाल वहीं ग्राम पंचायत है, लेकिन हाईवे से लगी हुई जमीनें हैं। आप सोचिए उनका स्क्वायर फुट में मुआवजा भी बनाए सरकार, तो मुआवजा बनाना चाहिए। पहले तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के क्षेत्र के वरिष्ठ किसान हमारे गंगा भाई जी ने इतना सुंदर फार्म हाउस, इतने पेड़ लगाए हैं, आप सोच सकते हैं, आप देखिए कि कितने पेड़ लगाए हैं, ना जाने कितने पेड़ों की बलि होगी, न जाने कितने किसानों की बलि होगी, और राजा रजवाड़े और हमारे यहाँ के राजनेताओं का ये शौक पूरा होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय विधायक जी से और जिला प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि वेंचुरा चल रहा था ना, वेंचुरा में कितनी सवारी आपको वेंचुरा से जाने के लिए मिलती थी, आज हम क्या कहें, ज़्यादा कुछ न कहेंगे। आप सोच सकते हैं हम उनसे आशा केंद्र में वो हैं, उनसे हम आशा क्या रखें, जिन्होंने प्रदेश की जनता जनमत से चुनी सरकार को अपने स्वार्थों के लिए गिरा दिया, वो किसानों की कितना हित करेंगे समझ से परे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन और रीवा जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से, खासकर रीवा विधायक जी से हम मांग करना चाहते हैं, किसानों के साथ न्याय करिए, किसानों के साथ अन्याय न करिए। आज तक किसानों को बतलाया नहीं गया है कि कौन कौन सी ज़मीनें जाएंगी, 2016 की लिस्ट के अनुसार जाएंगी, कहाँ जाएंगी, और अगर जो ज़मीनें किसानों की लेनी है लेनी है तो उनका उचित भाव आप आके एक बार निरीक्षण कर लीजिए। और क्यों पर्यावरण और पेड़ों को उजाड़ रहे हैं, कि आप ये ट्रेनिंग सेंटर रह जाता तो क्या था। आप सोचिए रीवा संसद कहे, रीवा से लेके आप सतना संसद जी कहते हैं सतना में एरोड्रम बनना चाहिए, सीधी संसद कहती हैं सिगरौली में एरोड्रम बनना चाहिए, रीवा के विधायक कहते हैं रीवा में एरोड्रम बनना चाहिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, सब हमारे यहाँ के जितने विधायक और सांसद हैं उनको सबको एक कमों से कम अगर एरोप्लेन ना दे सकें तो एक हेलीकॉप्टर ज़रूर दे दीजिए। किसानों की ज़मीन जा रही है, नेता अभी चुनाव आ रहा है, सब अपना श्रेय लेना चाहते हैं, कांग्रेस कहती है मेरी देन है, बीजेपी कहती है मेरी देन है, मैं दे रहा, जा तो असली किसानों का रहा, किस तरह से दिक्कतें हुई, अब आगे क्या होगा, किस तरह से किसान का भविष्य अंधकारमय है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, वो छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों के लिए तरस रहा 16 से लेकर आज तक, एक भी जमीन टुकड़ा नहीं बेच पाया, न उसका कीमती भाव बढ़ा। हर आस पास के क्षेत्रों में जितने भी एरिया लगे हैं अपने किसानों के, उनका हर स्थान का रिकॉर्ड भाव राजस्व भाव बढ़ गया है, लेकिन अब चौराता का डाल का 8 साल से कोई भी रेट नहीं बढ़ पाया है। इसलिए मंत्री जी से विधायक जी से निवेदन है कि यदि ज़मीन लेना है ज़बरदस्ती, पहले तो ज़मीन के लिए दूसरा स्थान लेंगे, ज़बरदस्ती करना चाहिए तो उनका उचित मुआवजा दिया जाए, और इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए जो देख रहे हैं कम से कम 50,000 पौधे लगे हुए हैं, उनके पर्यावरण में कितना प्रभाव पड़ेगा, उन सब को देखते हुए इस एरोड्रम को कहीं ना कहीं स्थानित करने की कृपा की जाए। पुस्तों की ज़मीनें जा रही हैं, आप लोगों की बहुत बढ़िया बगिया बना के रखा है, रेट करोड़ों में है, वर्ग फीट में जाने की कीमत यहाँ पर है कि वर्ग फीट में बिके, लेकिन आज सरकार जो पैसा दे रही है, क्या दे रही है, किस तरह से दिक्कतें हैं, कैसे आपने सेपा, कितना लगभग नुकसान होगा था? जी मैं गंगा प्रसाद द्विवेदी अगडाल किसान, मैं ये चाहता हूँ जो अभी पेपर के माध्यम से सुन रहा हूँ कि पौधे मैं और ज़मीन ली जा रही हवाई पट्टी के विस्तार के लिए, तो आज तक तो ये रहा कि हवाई पट्टी से उत्तरी भाग NH-7 से लगा हुआ भाग नहीं लिया जाएगा, दक्षिणी भाग या पश्चिमी भाग में विस्तार किया जाएगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 115 मीटर अब उत्तरी भाग भी लिया जा रहा है, जो कि पूर्णतः अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि आवास है, आवास के साथ व्यापार है, व्यापारिक ज़मीनें हैं, आज यहाँ 2,000-4,000-4-5 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीनें बिकती हैं। दूसरा ये ग्राम पंचायत है, अगडाल उमरी ग्राम पंचायत है, बगल से जो 25% में चौराहटा और चौराहटी की ज़मीन है और 75% अगडाल पंचायत की ज़मीन है, वहाँ का जो गाइडलाइन है 8 साल से नहीं बढ़ने दिया गया, केवल 18 लाख-20 लाख रुपए एकड़ है। अगर इस प्रकार का मुआवजा का मूल्यांकन करेंगे भी तो किसान अन्याय, किसानों के साथ अन्याय होगा, किसान इसमें आक्रोशित हैं, और इसका किसान अपने हिसाब से धरना प्रदर्शन भी करेंगे और इस काम को इधर विस्तार को रोक लगाएंगे। और ये चूँकि केंद्र सरकार का है तो केंद्र सरकार से मुआवजा अगर निर्णय लिया भी जा रहा है तो केंद्र सरकार से मुआवजा निर्धारित करें, चूँकि ये सुनने में आया कि नोएडा वगैरह में जहाँ ज़मीनों का हवाई पट्टी का विस्तार किया गया है उन ज़मीनों का 4,000 से 8,000 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से मुआवजा दिया गया है,
तो शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से ये केवल कागज़ में और पेपर में निकलवा के हम लोग आज एक साल से दहशत में हैं कि मतलब ज़मीनें जा रही हैं, पौधे काटे जाएंगे, इस प्रकार का। ठीक है, हवाई पट्टी का विस्तार होना चाहिए, लेकिन किसानों से कंसल्ट करने के बाद ही करना चाहिए कि किसकी किधर क्या क्या समस्याएं हैं। किसी के पास एक एकड़ ज़मीन है, कल उसका लड़का है, वो व्यापार करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हुई भूमियों का मूल्यांकन व्यापारिक मूल्यांकन होना चाहिए। 2000-4000 रुपये वर्ग फुट ज़मीन बिकती है, 18 लाख-20 लाख में किसान देने को तैयार नहीं है। साथ में जो आवासीय भूखंड है, पौधे लगे हैं, बगिया लगे हैं, 5000 पौधे लगे हैं, उनका एक एक का मुआवजा देना चाहिए। और ज़मीन जब दक्षिणी एरिया में, हवाई पट्टी से दक्षिणी एरिया में लगभग 2 किलोमीटर तक कोई बसाहट नहीं है, कोई आवास नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, तो शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ इस प्रकार से किसान चाहते भी हैं कि अगर विस्तार किया जाए तो उस ओर की ज़मीन लेना चाहिए, ना कि इससे उत्तरी और NH-7 से लगा हुआ, NH-7 भी प्रभावित होगा, NH-7 से लगा हुआ आवास है वो शोर प्रदूषण में आएगा, ग्रीनरी सब खत्म कर दी जाएगी, उजाड़ दिया जाएगा। आज यहाँ रीवा, चौराहटा, अगड़ाल, उमरी में 2-4 करोड़ एकड़ से ज़मीन नीचे नहीं है, लेकिन गाइडलाइन में ग्राम पंचायत होने के नाते ग्राम उसमें रिवेन्यू रिकॉर्ड में 18 लाख-20 लाख रुपए एकड़ ज़मीन है। इसे शासन और प्रशासन को चेतना चाहिए, और साथ में जो बच्चों के, जो जिनकी ज़मीन किसानों की जाती है, कम से कम 1-2 बच्चों की इनको नौकरी का भी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि रीवा में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। आज पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, टेक्निकल एजुकेशन में हैं, लेकिन उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, उनको रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, सब लोग व्यापार नहीं कर सकते हैं, तो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सबको फ़ायदा हो रहा है, उद्योगपतियों को फ़ायदा होने वाला है, नेताओं को फ़ायदा होने वाला है, दुनिया भर के सपने दिखाए जा रहे हैं कि बहुत विकास हो जाएगा हवाई पट्टी के विस्तार से। असली हकदार जिसकी ज़मीनें जा रही हैं कौड़ियों के भाव, उसको क्या फ़ायदा होने वाला है? 2016 से रोक लगी थी, किस भाव से देखो? उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, 2016 से रोक लगी है। जो ज़मीन किसानों की थी, उनके बच्चे जिनकी शादियां करनी थी, इसी ज़मीन को बेच के वो सोच रहे थे कि हम शादी कर देंगे, पैसा नहीं था उनके पास, वो रोक लगी हुई है। वो बेचारे गहन और कुछ कर्ज लेकर के और शादी किए हैं, वो ब्याज बढ़ रहा है, वो ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं। और ये विशिष्ट गांवों में आता है, नगर निगम से लगी हुई ज़मीनें हैं, इनका वर्ग फुट में मुआवजा देना चाहिए। तो सरकार सुनने में आता है कि बस वही पुराना जो खेती किसानी वाली ज़मीनें हैं, और आज से 50 साल पहले जो रेट था वही रेट लगा रही है सरकार, ऐसे में किसान क्या करेगा? इस प्रकार से तो ज़बरदस्ती उससे छीन लिया जाए, ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लिया जाए और छीन के ज़मीन ले ली जाए, इससे कोई विकास नहीं होने वाला है। यदि लेना ही है तो वर्ग फुट में ज़मीन उनकी ली जाए। कुल मिलाकर जो प्रदेश सरकार कहती है कि मुफ्त में ज़मीन हम दे रहे हैं केंद्र को, तो किसानों से छीन के दे रहा है, ये माना जाए किसानों से लेके मुफ्त में दिया जा रहा है? हाँ, ये किसानों से ज़बरदस्ती छीन के लिया जा रहा है। किसानों को माने क्या है, उनको संतुष्टि नहीं है इस ऐसे मुआवजे से। वर्ग फुट में मुआवजा दिया जाए, 2000-4000 रुपए वर्ग फुट यहाँ की ज़मीनें बिक रही, बिल्कुल सिटी से लगा हुआ सबसे नज़दीक का वो 7-8 किलोमीटर, यहीं बगल में सब शोरूम हैं बड़े बड़े, और यहाँ की ज़मीनें फ्री में सरकार ले रही है। ज़मीन देने के लिए किसान ये नहीं है कि नहीं दे रहा है, अगर अगर आपका विकास हो रहा है, राज्य का विकास हो रहा है, तो ज़मीन देगा, लेकिन उसको उचित मुआवजा दिया जाए। किस प्रकार से, कितनी ज़मीन है आपके पास, कितना ज़मीन से आपको कुछ आगे कर सकते थे, रोक लगी है, अभी क्या लगता है कि कितना मुआवजा मिलेगा, क्या आपको होने वाला आगे? शासन ज़मीन ले रही है, आज 16 से रोक लगाई हुई है। जो कर्ज रहा लड़की के शादी के लिए, बैंक के लिए, वो कर्ज बढ़ रहा है। किसान दे तो कहाँ से दे पाए, ना कोई लड़के बच्चे को नौकरी चाकरी मिल रही है। मैं भी ऐसा बिना नौकर कर्मचारी किसान आदमी हूँ, कि खेती से करके पालन पोषण लड़का बच्चों को करते रहे। तो जो शासन ज़मीन लेता है उसका निरीक्षण सही रूप पर आज के स्थिति में, जो आज का स्थिति है उसके हिसाब से, बर्फ फुट के हिसाब से किसानों का मुआवजा दिया जाए, जिसमें अपना ज़मीन जगह व्यवस्था सब कर दे। बीमारी है, हमारे एक्सीडेंट भी हो गए,
हमारे पक्की टूट गए, हमारे दवा के लिए कोई किसान आदमी कहाँ पैसा पाए, घर में लकवा मार दिया वो भी पड़ी हुई है। बहुत से लोग ऐसे होंगे बीमार हैं। आज सभी किसानों का कर्ज बढ़ रहा है, किसान आदमी बिना खेती के जो करता है उसमें तो खर्च ज़्यादा भी लगता है, आमदनी नहीं मिल पाती है। तो जो देता शासन लेता है उसको सही रेट पर मुझे जिसमें किसान अपना व्यवस्था कर सके। सर आप युवा हैं, बहुत से सारे हम लोग जो युवा है ज़मीन बैंकों में रखकर कोई उद्योग चलाना चाहते हैं, कृषि के साथ में चलाना चाहते हैं, ज़मीनें भी चली जा रही हैं पूछते हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह से अब आगे भविष्य में क्या हमारी ज़मीन है यहाँ से लगी हुई है, ये आपके हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 7 से लगी हुई है, अच्छा मुआवजा देगा, कम से कम 4 या 5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से देगा तब हम इस ज़मीन देंगे, नहीं तो फिर ज़मीन हम नहीं देंगे। इसमें चाहे हमको फांसी लगा के मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम इस ज़मीन को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट ले रहा तो अच्छा हमको मुआवजा देगा तब तो हम इसको छोड़ेंगे, नहीं तो यहीं पर फांसी लगा के मर जाएंगे। क्योंकि यहाँ भूमि पूजा ऐसा कैसे कर देंगे, जब तक हमको अभी जानकारी नहीं मिली कि हमारा मुआवजा क्या रेट दे रहा गवर्नमेंट, भाई हम लोगों को जानकारी तो होनी चाहिए कि हम लोगों की ज़मीन का मुआवजा क्या रेट दे रहा है, ऐसा कैसे भूमि पूजा कर देंगे। आए हम फिर देखते हैं, जाएं आए जिस दिन इनको भूमि पूजा करना होगा उस दिन हम लोग खड़े रहेंगे। कुल मिलाकर किसानों की गलती ऐसा नहीं है, किसानों की गलती ये थी हमारे पूर्वज ज़मीन को बचा, भैया हम लोग पूर्वज ज़मीन को बचा के रखे, हम भी बचाना चाहते हैं। अगर बचाना नहीं चाहते, गवर्नमेंट अगर लेना चाहते तो हमको अच्छी तरीके से मुआवजा दिया जाए और हमारे मुआवजे को अभी से जानकारी बताया जाए कि इतना कितना मुआवजा दिया जा रहा है, उस हिसाब से करेंगे, नहीं तो आए और भूमि पूजा करें, हम लोग देख रहे हैं कि कैसे भूमि पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सारे हम लोग किसान एक हैं, हम लोग किसान सब इकट्ठा हो जाएंगे और इसका जो है तो ताला मरवा देंगे आपके एयरपोर्ट के गेट के। क्या लगता है कि किस तरह से जिस तरह से किसानों की ज़मीनें जा रही हैं, कोई शादी नहीं कर पाया, कोई बीमार है, दवाई नहीं हो पाई, रोजगार हो गए, तो अब क्या लगता है कि सुनवाई होगी हमको विकास दिखाना है। 2023 का चुनाव है, हवाई पट्टी ला रहे हैं, उद्योग ला रहे हैं, चली बंद हो गए, चंद लोगों को लाभ मिला होगा, चंद लोग गए ना, किसान एरोप्लेन से जाने वाला ना किसान की ज़मीन जाने के बाद उद्योग, किस तरह से आगे लड़ाई होगी किसानों के लिए। किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखिए यहाँ के पूरे हम किसानों से अपील करते हैं और सब किसान इकट्ठे होंगे, हम लोग तो पहले अपने जनप्रतिनिधियों से मिलना चाहेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, क्योंकि हमारे आज भाग्य विधाता वही हैं, और उनसे ये विनती करेंगे कि किसानों को उजाड़िए नहीं, अपने शौक को पूरा करने के लिए, राजसी 60-80 वाट और शौक को पूरा करने के लिए आप सोचिए वेंचुरा चला तो कितने लोग चले, और आप कितने बोइंग चलाओगे, कितने लोग यात्रा करेंगे, किसानों को लगोटी में लाके अपने राजसी शौक पूरे ना करिए, नहीं तो किसान जोरदार आंदोलन करेंगे। कितने का नुकसान हो रहा होगा लगभग, आपकी पुश्तैनी जमीन रही है, बहुत बड़ी जमीन दिख रही है, कितने का नुकसान लगभग हो रहा है आपको? कम से कम 20 करोड़ का नुकसान हो रहा है बगिया को छोड़ करके, क्योंकि हमारी 8 एकड़ ज़मीन जा रही है, और इससे लगभग अगर अब आज बेचा जाए किसी को तो 20 करोड़ से ऊपर का ज़मीन है हमारी। एक किसान के लिए 20 करोड़ बहुत होता है, किसान के लिए 20 करोड़ रुपये बहुत होता है। क्या लगता है किस तरह का विकास, कितना विकास हो जाएगा एरोप्लेन हवाई पट्टी के आ जाने से, कितने लोगों को फायदा मिल जाएगा, कितने लोग मरीजों के लिए यार एम्बुलेंस आ जाती है, कितना किसान लाभ पाता है? व्यापारी का तो विकास हो सकता है लेकिन किसानों का विनाश हो जाएगा। कुल मिलाकर किसानों का विनाश, ये इसलिए कहा जाता है कि किसान के लिए एक यही रोजी रोटी का साधन था, उनके परिवार के लिए साधन था, विकास हो रहा है, हवाई पट्टी का विस्तार हो रहा है, उद्योग लगेंगे, ये सब सपने दिखाए जा रहे हैं, कितना आने वाले समय में लाभ होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगर फ्री में जमीन दी जा रही है, अगर किसी का कुछ गया है वो गया है किसान का। विंध के लिए हवाई पट्टी का विस्तार, एयरपोर्ट बनना बहुत बड़ी सौगात है, निश्चित तौर पर बड़े प्लेनों के उतरने से उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर अब नेताओं को इन विकासों को अपने चुनावी मुद्दे बनाने को छोड़कर क्षेत्र के विकास के लिए उद्योग भी लाने होंगे, क्योंकि पहले भी वेंचुरा की उड़ाने रीवा से हो चुकी हैं, जो सफल नहीं हुई, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ विकास की बातें कर 2023 में वोट मांगने की तैयारी हो और इसके बाद फिर अगले प्रयास का झुनझुना जनता को थमाया जाए। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमने क्यों कहावत कहा था कि सैया का बिड़ता भैया का नाम। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ, हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।